डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में आर्ग वर्क की बुक में जो सोयल मैकेनिक्स का चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 140 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया है कि कोई कोहेसिव सोयल है, उसको वेट कर रहे हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो कोहेसिव सोयल है, उसमें जैसे जैसे वाटर ऐड करते हैं उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती जाती है। स्टीफ क्ले है जो श्रिंकेज लिमिट पर, उसकी ये शेयर स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर प्लास्टिक लिमिट पे सोयल है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ इससे कुछ कम ये वैल्यू होगी। और लिक्विड लिमिट पे अगर कोई सोयल है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो वाटर ऐड करने से शेयर स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो डी आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 122 में दिया है कि कोहेसिव सोयल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कोहेसिव सोयल्स होती है, इनमें क्ले प्रेजेंट होती है तो ये प्लास्टिक प्रॉपर्टीज शो करती है, और इनका वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है तो ये हाईली कंप्रेसिबल भी होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 123 में दिया है कि क्ले है उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो क्या होता है। तो प्योर क्ले है उसके लिए हम फाई की वैल्यू जीरो लेते हैं, उसमें जो शेयर स्ट्रेंथ मिलती है वो कोहेसिव जो है उसके कारण होती है। उसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण, रोलर स्ट्रेस के कारण जो सिग्मा 10 फाई वाला कंपोनेंट मिलता है शेयर स्ट्रेंथ में वो नहीं होता है, क्योंकि फाइव की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर मिनिमम होती है। तो यहाँ पर 0 to 5 degree है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 124 में दिया है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम किसके लिए होगा। तो एंगुलर ग्रेंड सोयल और राउंड ग्रेंड सोयल्स की अगर बात करें तो एंगुलर ग्रेंड सोयल्स है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और राउंडेड सोयल्स कुछ इस तरीके की होंगी। और इंटरनल फ्रिक्शन है ये एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, तो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन वहाँ पर एक्ट करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है। जो भी स्लाइडिंग हो रहा है, रोटेशन हो रहा है पार्टिकल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसके लिए जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, वो इंटरनल फ्रिक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगुलर पार्टिकल्स में ज़्यादा होगा इंटरनल फ्रिक्शन कंपेयर टू राउंडेड पार्टिकल्स, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पर ज़्यादा है। और लूज सैंड और डेंस सैंड में कंपेयर करें तो डेंस सैंड में पार्टिकल ज़्यादा पास पास हैं, कॉम्पैक्टेड है सॉइल, तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू लूज सैंड। और क्लेज है इनके तो इंटरनल फ्रिक्शन या तो जीरो होता है, मिनिमम होता है, तो क्ले तो वैसे ही कैंसिल हो गया। राउंडेड और एंगुलर में एंगुलर होगा और डेंस होगा, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 125 में दिया है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन लिस्ट किसके लिए होगा। तो कोहेसिव सॉइल्स के लिए फाई की वैल्यू सबसे कम होती है, तो क्ले आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 126 में दिया है कि एक सोयल मास है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कोई सी भी सोयल है, उस सोयल मास में अगर कोई फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, वो जस्ट फेलियर की कंडीशन पे होगी कि फेलियर होने वाला है जस्ट। और इसके दो टाइप होते हैं, एक तो जनरल स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ये तब होता है जब पूरा का पूरा सोयल मास है वो वर्ज ऑफ फेलियर पे है। दूसरा होता है लोकल स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, जिसमें कि कुछ पोर्शन ऑफ सोयल मास है उस पर फोर्सेस लग रहे हैं और वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 127 में दिया है कि एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में कोई सोयल है, नॉन कोहेसिव सोयल, और ग्राउंड सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो कौन सा स्ट्रेस है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, कौन सा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम एक्टिव स्टेट और पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 पे इसी पे बेस्ड है। ये एक रिटेनिंग वॉल है, इस साइड में जो ग्राउंड सरफेस है वो ये इस लेवल पर है, और ये यहाँ पर जो सॉइल है इसको रिटेन करने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके इधर दूसरी तरफ टो की साइड में जो ग्राउंड लेवल है वो ये है। अब यहाँ पर तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं कि इधर जो सॉइल है कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही है यहाँ पर, या तो ये हो सकता है कि ऊपर यहाँ से किसी स्लैब से या ऐसे कनेक्टेड है और ये रेस्ट पे है, इसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो होता है कि सॉइल रेस्ट पे है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर जो सॉइल है ये इस पर फोर्सेस लगा रही है और इसके कारण इसका मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट वार, इस डायरेक्शन में अगर इसका कोई मूवमेंट होता है तो क्या होगा, यहाँ पर जो सॉइल है वो स्ट्रेच होगी और ये इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर जो सॉइल है इसको ये कंप्रेस करेगा। अब जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ पर जो प्रेशर है वो पहले के कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये सॉइल है, इसमें अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ यहाँ पर, ये कोई पॉइंट है, तो इस पे इसके ऊपर की जो सॉइल है इसके वेट के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है, इसी के वेट के कारण एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा होता है,
और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिव केस, पैसिव केस और एट रेस्ट की जो भी कंडीशंस होती हैं उसमें। अब जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, ये सोइल, यहाँ की जो सोइल है ये स्ट्रेच हो रही है, रिटेनिंग वॉल इधर शिफ्ट हो रही है, तो क्या होगा, एक यहाँ पे वेज ऑफ फेलियर बनेगा इस तरीके से, एक लाइन के अलोंग ये सोइल फेल होगी। तो इस प्लेन के अलोंग जब सोइल फेल होना चाहेगी तो जो मूवमेंट होना चाहेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए शीयर स्ट्रेंथ आएगा, शीयर फोर्सेज वहाँ पर एक्ट करेंगे और इसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करेंगे, और इसके कारण एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है और स्टेबल कंडीशन बन जाती है इस साइड में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेचिंग हो रही है सोइल की, तो स्ट्रेचिंग हो रही है इसलिए उसको फैलने की जगह मिल रही है, उसको हम एक्स्ट्रा कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको फ्री छोड़ रहे हैं, तो जो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा था रेस्ट की कंडीशन में उससे ये प्रेशर फोर्स कम होगा। और अगर दूसरी साइड की बात करें, इधर जहाँ पर कंप्रेस किया है वहाँ पर सोइल जो पहले थी कंप्रेशन में उसको हमने और ज़्यादा कंप्रेशन फोर्सेज लगा रहे हैं, तो और ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा और जो प्रेशर फोर्सेज हैं इधर की साइड में वो और ज़्यादा होंगे। और ये स्ट्रेचिंग वाली होती है एक्टिव प्रेशर की कंडीशन, ये वाली होती है पैसिव प्रेशर की कंडीशन। तो ऑब्वियसली पैसिव प्रेशर की कंडीशन में प्रेशर जो होगा वो एक्टिव प्रेशर से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट लेके हम उसका स्ट्रेस एनालिसिस करें तो उसमें दो स्ट्रेस लग रहे होते हैं, एक डाउनवर्ड स्ट्रेस एक इस डायरेक्शन में स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा होगा सिग्मा वी, वो तो हो जाएगा गामा एच जो सोइल के वेट के कारण है, और हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर लगेगा वो होगा कोफिशियंट ऑफ एक्टिव प्रेशर इंटू गामा एच, और के की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होती है, तो यहाँ पर सिग्मा वी की वैल्यू ज़्यादा होगी सिग्मा एच से। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होगा, वर्टिकल वाला, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 128 सेम है, वहाँ पर पूछा गया है कि पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में कौन सा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, तो केपी की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होती है, क्योंकि यहाँ पर सोइल को और कंप्रेस कर रहे हैं तो रिएक्शन फोर्सेस और ज़्यादा होंगे। तो सिग्मा वी यहाँ पर भी गामा एच होगा, लेकिन इस केस में सिग्मा एच की वैल्यू हो जाएगी केपी इंटू गामा एच, तो सिग्मा एच यहाँ पर सिग्मा वी से बड़ा है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो क्वेश्चन 128 में पूछा है कि पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होगा। क्वेश्चन 127 में हमने समझा कि पैसिव के केस में हॉरिजॉन्टल वाला मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 129 में पूछा है कि के द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम के प्रेशर में ये मिस्टेक हो सकती है कि प्लस माइनस में कन्फ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट्स को, तो आपको ये याद रहेगा कि एक्टिव प्रेशर है उस केस में के की वैल्यू लेस देन वन है, तो ऊपर माइनस वाला आएगा नीचे प्लस वाला आएगा। क्वेश्चन 130 में दिया है कि रिटेनिंग वॉल में फेलियर वेज है वो कब डेवलप होगा। तो क्वेश्चन 127 में भी मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, यहाँ पर इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये रिटेनिंग वॉल है, इस पर यहाँ पर जो सोइल है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से प्रेशर लगा रही है, उस प्रेशर के कारण अगर रिटेनिंग वॉल है वो थोड़ा सा इस साइड अगर मूव हो जाती है, डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है वॉल का, तो यहाँ पर जो सोइल है उसका इनिशियली जो स्लोप था वो वर्टिकल था जिस पे कि रिटेनिंग वॉल ने उसको स्टेबल किया हुआ था, रिटेनिंग वॉल के आगे मूव होते ही ये अपना जो स्टेबल स्लोप है वो लेना चाहेगी, और अगर ये ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एंगल ऑफ रिपोज को, तो इसके ऊपर इधर जो भी ये वेज है सोइल का ये फेल होगा, और इसके अलोंग जो स्टेबल स्लोप है वो सोइल रिगेन करना चाहेगी, और यहाँ का ये जो वेज है ये फेल होना चाहेगा, इसका आउटवर्ड इधर और डाउनवर्ड मोमेंट होने लगेगा, और जो ही मोमेंट होना स्टार्ट होगा शीयर स्ट्रेंथ पिक्चर में आएगा, जो क्योंकि वहाँ पर मोमेंट हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोमेंट हो रहा है तो वहाँ पर शीयर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और जो फोर्सेज हैं वेज को सेपरेट कर रहे हैं और जो शीयर स्ट्रेंथ है उन दोनों का एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, और ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा इधर का सोइल मास। तो फेलियर वेज कब डेवलप होगा, जब रिटेनिंग वॉल है अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव कर रही है, तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 131 में पूछा है कि रैंकाइन्स थ्योरी है जो एक्टिव अर्थ प्रेशर की, उसका कौन सा अजम्पशन है, तो रैंकाइन्स थ्योरी के अजम्पशन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि सोइल मास है वो सेमी इनफाइनाइट है, होमोजीनियस है, ड्राई है और कोहेशनलेस है। सेकेंड है कि सरफेस है वो प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड हो सकता है, जैसे कि ये कोई रिटेनिंग वॉल है तो यहाँ पर जो ग्राउंड सरफेस है वो इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, लेकिन वो इस तरीके से कर्व नहीं हो सकती। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेनिंग वॉल है उसको यहाँ पर वर्टिकल और स्मूथ माना था,
और कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस बैकफिल और रिटर्निंग वॉल के बीच में नहीं कंसिडर किए थे। ये बैकफिल है, ये रिटर्निंग वॉल का जो फेस है, इस फेस को वर्टिकल और स्मूथ कंसिडर किया था रैंकाइन ने। और ये एक ड्रॉबैक की भी है रैंकाइन का, क्योंकि एक्चुअल में ये स्मूथ नहीं होती है, वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्सेज होते हैं, जिसको फर्दर इम्प्रूव किया गया दूसरे साइंटिस्ट ने। फोर्थ है कि वॉल है वो सफिशियंटली यील्ड हो रही है प्रेशर कंडीशन डेवलप होने के लिए। ए भी करेक्ट है, होमोजीनियस ड्राई एंड कोहेशनलेस। बी भी करेक्ट है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड हो सकता है ग्राउंड सरफेस ओनली। सी बी की वर्टिकल स्मूथ है। डी बी की वॉल यील्ड्स अबाउट द बेस। तो ई यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 132 में दिया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन बन रही है, ड्राई बैक फील है, कोई भी सरचार्ज नहीं है। तो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है एच बाई थ्री डिस्टेंस अबव द बेस ऑफ द वॉल, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिकली ये अगर कोई रिटेनिंग वॉल है तो इसका प्रेशर डायग्राम इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर प्रेशर होगा गामा एच, अगर ये वाली हाइट है, ये एच है, ट्राइंगल है, तो यहाँ पर इसका सेंट्रोइड होगा और यहाँ पर होगा यहाँ से एच बाई थ्री पे और ऊपर से 2h/3 डिस्टेंस पर। क्वेश्चन में पूछा है टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर दिया है, मतलब प्रेशर इंटेंसिटी नहीं, प्रेशर फोर्स की बात हो रही है, और प्रेशर फोर्स हो जाएगा इस डायग्राम का एरिया, ये होगा 1/2 इंटू, ये सॉरी यहाँ पर के ए भी आएगा, गामा एच इंटू के ए इंटू एच। तो ये यहाँ पर हो जाएगा गामा एच स्क्वायर इंटू के ए। तो एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो सी आंसर हो जाएगा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन बन रही है, ड्राई बैक फील है, कोई भी सरचार्ज नहीं है। तो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है एच बाई थ्री डिस्टेंस अबव द बेस ऑफ द वॉल, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिकली ये अगर कोई रिटेनिंग वॉल है तो इसका प्रेशर डायग्राम इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर प्रेशर होगा गामा एच, अगर ये वाली हाइट है, ये एच है, तो के एक इंटू क्यू हो गया सरचार्ज के कारण हॉरिजॉन्टल प्रेशर, और अगर एच ई है, ये इक्विवेलेंट हाइट है सरचार्ज के, तो इसके कारण प्रेशर होगा, ये होगा के ए गामा एच ई, जस्ट इनको इक्वेट करना है, तो एच ई इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन गामा। इससे हम सारी की सारी कैलकुलेशन हाइट के फॉर्म में कर सकते हैं, सोयल मास की हाइट के फॉर्म में, क्योंकि सरचार्ज को भी हमने हाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो सी यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू ए फिल ऑफ हाइट जेड, यहाँ पर एच ई की जगह जेड इसने लिख दिया है, अपॉन क्यू अपॉन गामा, और गामा ये आर से डिनोट किया है यहाँ पर, ये डेंसिटी है बैकफिल की। क्वेश्चन 134 में दिए है कि सरचार्ज का एंगल है बैकफिल के साथ में वो बीटा है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए इसको शो किया है। तो ये बीटा यहाँ पर एंगल इस तरीके से बन रहा है सरचार्ज का। सीक्यू बेस्ड एग्जाम में आप ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एक हिंट है यहाँ पर याद रखने के लिए कि अगर ये सरचार्ज का ये एंगल अगर जीरो हो गया तो के की वैल्यू सेम वही हो जाएगी जो हॉरिजॉन्टल के लिए हमने पढ़ी है, 1 - sin φ / 1 + sin φ। तो कौन से तीनों में ऐसा है जिसमें कि बीटा की वैल्यू जीरो रखने पर के ए का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, बीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो रहा है। इसमें अगर बीटा की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो कॉस जीरो वन हो गया, वन इंटू कॉस बीटा वन, वन कॉस स्क्वायर बीटा फिर से वन हो गए, तो 1 - cos² φ का रूट अपॉन 1 - cos² φ का रूट। तो 1 - cos² φ होता है sin² φ, इसका रूट लेंगे तो sin φ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल रही है। तो इससे आप ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि के ए है उसका ये बी वाला फॉर्मूला होगा। और थोड़ा सा यहाँ पर एक और पॉइंट है समझने के लिए कि प्रेशर जो लग रहा होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसे हॉरिजॉन्टल में होता है, प्रेशर की डायरेक्शन थोड़ी सी अलग हो जाती है। पहले प्रेशर इस डायरेक्शन में लगता था क्योंकि सरफेस थी वो हॉरिजॉन्टल थी, तो ऐसे तरीके से प्रेशर लगता था। अभी प्रेशर लगेगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से लगेगा। क्वेश्चन 135 में दिया है कि एक बैकफिल है, स्लोपिंग सरफेस है, टोटल एक्टिव प्रेशर यहाँ पर पी ए जो होगा, जहाँ पर भी टोटल की बात आ रही है वहाँ पर समझना है कि प्रेशर फोर्स की बात हो रही है, और इंटेंसिटी दिया हो या सिर्फ प्रेशर दिया हो तो फिर प्रेशर इंटेंसिटी की बात हो रही है वहाँ पर। पी ए ऑन द वॉल ऑफ हाइट एच, बैकफिल है उसकी स्लोपिंग सरफेस है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा सेम वही कंडीशन है,
यहाँ पर पूछा है कि इसका जो सेंटर होगा फोर्स का वो क्या होगा, तो प्रेशर डायग्राम इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, बट अभी भी सेफ है, वो ट्रायंगुलर है, तो सेंट्रोइड होगा वो बेस से h बाई थ्री डिस्टेंस पे होगा, या कह सकते हैं टॉप से 2h बाई थ्री डिस्टेंस पे होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। जस्ट प्रेशर की डायरेक्शन चेंज हुई है, पहले इस तरीके से था प्रेशर, अब इस तरीके से लग रहा है, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है, पहले वर्टिकल के परपेंडिकुलर था। क्वेश्चन 136 में दिया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। ए में दिया है कि जब रिटेनिंग वॉल है वो बैकफिल से अवे मूव हो रही है, तो ये जो यहाँ पर प्रेशर की कंडीशन बन रही है इसको एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं। ये कोई रिटेनिंग वॉल है, इसका अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर जो बैकफिल है ये, इसके लिए ये केस बन रहा है एक्टिव अर्थ प्रेशर का, वॉल है वो दूर शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पर सोयल की स्ट्रेचिंग होगी और प्रेशर जो होगा वो रेस्ट वाली कंडीशन से कम होगा यहाँ पर। बी में दी है कि लेटरल प्रेशर एग्जर्ट जो हो रहा है वो अगर टुवर्ड्स द सोयल हो रहा है तो पैसिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन बनेगी। तो सेम इसी एग्जाम्पल में यहाँ की सोयल के लिए तो हो रहा है स्ट्रेचिंग और एक्टिव प्रेशर की कंडीशन, और यहाँ की जो सोयल है इसकी तरफ भी जा रही है रिटेनिंग वॉल, तो इसको और पुश करेगी, कंप्रेस करेगी, तो इसके लिए कंडीशन बन रही है पैसिव प्रेशर की कंडीशन। सी में दिया है कि जब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है रिटेनिंग वॉल का, तो उस केस में जो कंडीशन बनेगी प्रेशर की वो रेस्ट की कंडीशन होगी, एट रेस्ट ऑफ द सोइल, और ये ऐसे केसेस में होता है जहाँ पर रिटेनिंग वॉल है ये और ऊपर बेसमेंट है उसके स्लैब से कनेक्टेड है, तो अब रिटेनिंग वॉल कहीं भी मूव नहीं कर सकती, तो यहाँ पर एक्टिव या पैसिव प्रेशर की कंडीशन कोई भी नहीं बनेगी, तो डी हो गया आंसर। क्वेश्चन 137 में दिया है कि रिटेनिंग वॉल पे जो लेटरल अर्थ प्रेशर लग रहा होगा उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो लेटरल प्रेशर होगा के इंटू गामा एच, के यहाँ पर कोफिशियंट है, वो डिपेंड करेगा कि एक्टिव प्रेशर की कंडीशन है, पैसिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन है, रेस्ट की है। के है ये डिपेंड करता है फाइव पर, एक्टिव के लिए इसकी वैल्यू होगी 1 - sin φ / 1 + sin φ। तो ऑप्शन ए में दिया है कि ये इक्वल होगा मास ऑफ द सोयल रिटेंड के, ऐसा तो नहीं है, ये वेट ऑफ द सोयल पर यूनिट एरिया को एक कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। बी में दिया है कि डेप्थ के प्रोपोर्शनल होगा, तो डेप्थ के प्रोपोर्शनल होगा, एच के प्रोपोर्शनल होगा अगर प्रेशर की बात करें तो, प्रेशर फोर्स की बात करें तो फिर एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, बट टोटल प्रेशर या प्रेशर फोर्स टर्म यूज नहीं किए क्वेश्चन में, तो हम इसको प्रेशर इंटेंसिटी ही कंसिडर करेंगे, तो बी करेक्ट आंसर होगा। सी में दिया कि स्क्वायर ऑफ द डेप्थ ऑफ सोइल, तो ये प्रेशर फोर्स होता तो होता। डी में दिया प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सोइल, तो ये 1 - sin φ / 1 + sin φ के प्रोपोर्शनल है, फाई के साथ में डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आंसर की में जो आंसर दिया वो ऑप्शन डी दिया है, बट बी होगा करेक्ट आंसर, और इसका रेफरेंस मैं यहाँ पर रिटर्न सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी PDF उसमें मेंशन कर दूंगी। क्वेश्चन 138 में दिया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर है सोइल का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है के ए इंटू गामा एच, और के ए को साइन फाई की फॉर्म में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, और टेन फाई बाई टू की फॉर्म में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, तो टेन स्क्वायर की फॉर्म में भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूँगी डायरेक्टली आप याद रखें। कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर प्लस माइनस में होता है स्टूडेंट्स को, तो ये ध्यान रखना है कि के ए है वो लेस देन वन होगा, तो यहाँ पर 45° - φ/2 आएगा, क्योंकि टेन 45° तो वन होता है, तो इससे कम होगा के ए की वैल्यू, तो यहाँ पर -φ/2 आएगा, पैसिव की बात करेंगे तो +φ/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 139 में दिया कि पैसिव अर्थ प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये केपी होता है, ये होता है 10² 45 + φ/2, तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 140 में दिया है कि एट रेस्ट की कंडीशन अगर बन रही है तो अर्थ प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एट रेस्ट की कंडीशन में जो प्रेशर कोफिशियंट होता है उसको के नोट से डिनोट करते हैं, और इसके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन कम पूछा जाता है वैसे, बट आप ये एक फॉर्मूला है वो याद रख सकते हैं 1 - sin φ /
क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।